नमस्ते, मैं हूं मानव। आप देख रहे हैं जनता शो। दिल्ली में चुनाव प्रचार जो है वो पूरा हो चला है। 8 फरवरी यानी कल यहां मतदान होना है। जनता शो दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में घूमा है और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर जनता के मन में क्या है, क्या जनता के मुद्दे हैं और जनता क्या सोच रही है, कौन सी पार्टी इस बार दिल्ली की सियासत पर काबिज होगी। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जो कह रहे थे कि चुनाव जो है दिल्ली का वो एक तरफा है। तो जनाब, पहले एक तरफा है था, मतलब जिस तरह की कंडीशन थी उसके हिसाब से ये दिल्ली इलेक्शन 8 से 9 दिन पहले तक एक तरफा ही था। पर शाहीनबाग का मुद्दा हो या फिर कपिल गुज्जर के मुद्दे को जिस तरीके से बीजेपी ने भुनाया, उससे अब लग रहा है कि मुकाबला जो है यहाँ का एक तरफा नहीं है। आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से कई मंत्री, सांसद और खुद गृह मंत्री पीएम भी दिल्ली में एक्टिव दिखाई दिए। खूब रैलियाँ हुई, जनसभाएं हुई, रोड शो हुआ, तो इसका लाभ भी बीजेपी को मिलेगा। जो टक्कर कभी एक तरफा लग रही थी वो अब कांटे की हो गई है। इस बात को स्वीकारने में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमने 3 तारीख को एक सर्वे किया था जिसमें आपको बताया था कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही थी। तब भी आम आदमी पार्टी को हमारे उस सर्वे के मुताबिक बहुमत मिल रहा था। और अगर आज की बात करें तो आज के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। 38 से 45 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी हमारे मुताबिक जीत सकती है। चांदनी चौक, नई दिल्ली, पड़पड़गंज, करावल नगर, मॉडल टाउन, तिलक नगर, उत्तम नगर, सदर बाजार, ये वो तमाम बड़ी सीटें हैं जहाँ से आम आदमी पार्टी जीत रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कुल 14 से 22 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस 2015 के इलेक्शन में खाता भी नहीं खोल सकी थी, उसको हमारे इस ओपिनियन पोल में 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कह रहे थे कि शाहीन बाग का जो मुद्दा है इस इलेक्शन में कोई असर नहीं दिखाएगा। पर कई लोग ऐसे सामने आए जिनका ये मानना था कि शाहीन बाग की बदौलत ही दिल्ली इलेक्शन पूरी तरीके से बदल गया है। जो मुकाबला एक तरफा कभी दिख रहा था उसको दो पार्टियों के बीच में लाने में शाहीन बाग ने अपना मेन रोल निभाया है। बाकी शाहीन बाग से जो जंग शुरू हुई है उसका असर कितना होता है ये तो खैर 11 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता लग पाएगा। बाकी अगर आप दिल्ली के हैं तो आप हमें बताइए कि हमारा ये जो ओपिनियन पोल है ये कितना सही है, किस पार्टी को बाकी आप जितवाना चाह रहे हैं, किसको कितनी सीटें दिलवाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया।